प्रदेश में अभी तक भाजपा के कई विधायकों की तरफ से अधिकारियों पर मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप सामने आ चुके हैं, लेकिन अब भदोही जिले के औराई से भाजपा विधायक दीनानाथ भास्कर ने एक बड़े अधिकारी पर बिल्कुल अलग आरोप लगाए हैं। विधायक का आरोप है कि जिले का एक बड़ा अधिकारी उनके सीट से विधानसभा चुनाव लड़ने की योजना में है और इसी को ध्यान में रखते हुए थाना इंचार्जों की तैनाती की जा रही है, जिससे पुलिस बेलगाम है और विधायक की नहीं सुन रही है। दरअसल औराई विधायक और पुलिस में एक मामले को लेकर ठन गई है। विधायक दीनानाथ का दावा है कि उनका एक कार्यकर्ता औराई सामान लेने के लिए गया था, वहां थाने के एक दरोगा ने हेलमेट न लगाने पर उसका चालान कर दिया। इस पर जब कार्यकर्ता ने दरोगा की मुझसे बात कराने की कोशिश की गई, तो दरोगा ने मुझे और कार्यकर्ता को गाली दी। विधायक का कहना है कि उन्हें चालान से कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उन्हें दरोगा ने गाली क्यों दी। इसके बाद वो थाने भी गए थे, लेकिन पुलिस अपने दरोगा के समर्थन में खड़ी रही। विधायक का दावा है कि जब पुलिस को यह बात बताई गई तो उन्होंने गाली देने वाले दरोगा को एक्सीलेंट बताया और यह सब इसीलिए किया जा रहा है कि जिले के एक बड़े अधिकारी औराई विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इसी के तहत थाना इंचार्ज की तैनाती की जा रही है, ताकि विधायक के साथ दुर्व्यवहार हो और जनता में गलत संदेश जाए। उन्होंने कहा कि योगी सरकार जीरो टॉलरेंस पर कार्य कर रही है और पुलिस की मनमानी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इतना ही नहीं, विधायक ने जेल में बंद विधायक विजय मिश्रा से पुलिस की तुलना करते हुए कहा कि विधायक पर आरोप लगते ही उन्हें जेल भेजने वाली भदोही पुलिस के एक दरोगा पर फरियादी लड़की अश्लील बातचीत की शिकायत करती है तो दरोगा को सिर्फ लाइन हाजिर किया जाता है, जबकि दरोगा को तत्काल सस्पेंड करना चाहिए। भदोही से संजय सिंह की रिपोर्ट। विधायक जी, एक आपका आरोप है कि औराई थाने के दरोगा जी ने आपको गाली दी, क्या है पूरा मामला? देखिए, जो आपका प्रश्न है वो जायज है और इस घटना को लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने हित में घुमा करके बात करने की कोशिश कर रहे हैं। जब आपने कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, तो हमने एक आवाज में मैंने कहा आप आ जाइए, बात हो जाए। यह स्पष्ट करना बहुत जरूरी है। पहली बात तो यह है कि यहाँ का एक बड़ा अधिकारी औराई से चुनाव लड़ना चाहता है और उसको चुनाव लड़ाने के दृष्टिकोण से एक पुलिस अफसर जो है उसी तरीके से यहाँ पर थाना अध्यक्षों की नियुक्ति करा रहा है और अपने तरीके से जनपद को हैंडल करने की कोशिश की जा रही है, जिसको हम लोग बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। मैं यहाँ था नहीं, मैं पटना में था, चुनाव प्रचार में गया था। मेरे यहाँ का इसी कार्यालय से संबंधित एक लड़का जो है वह केक लेने के लिए औराई चौराहे पर गया था और वह दो बच्चे थे, एक का 20 साल उम्र रही है, एक का जो है कम उम्र रही है, 10-12 साल या 13 साल उम्र रही है। तो वो लड़के बिना हेलमेट का गए थे, तो वहाँ नीचे कोई राय साहब दरोगा है तो उन्होंने पकड़ा और 40 मिनट तक वहाँ रोके रखा और चालान किया। तो इन लड़कों ने फोन लगाकर हमसे बात कराने की कोशिश की, तो उन्होंने गाली दे करके और जो है फोन बंद करा दिए। फोन बंद कराते समय तक मेरे पास रिकॉर्डिंग है कि वो फोन बंद करा रहे हैं। उसके बाद इन बच्चों को भी गाली देने लगे और मेरे को भी अपशब्द बोला उन्होंने। और इसके बाद मैंने जब इसकी शिकायत एसपी से किया तो एसपी साहब ने हमारे को तवज्जो नहीं दिया और वह अपने दरोगा को प्रश्रय दिए और मेरे से यह बोले कि वह दरोगा मेरा एक्सलेंट दरोगा है, बहुत बेहतरीन दरोगा है, तो इनका बेहतरीन दरोगा गाली दे रहा है। और जब यह बात की शिकायत मैंने इंस्पेक्टर से किया तो इंस्पेक्टर ने कहा उन बच्चों को बुलाइए, तो मैंने बच्चों को भी बुलाया और बुलाकर बात कराया। तो जब लड़कों ने कहा कि यही थे गाली दे रहे थे और एक अजय सिंह कोई सिपाही है, वहां अजय सिंह तीन हैं, तो दो अजय सिंह वहां मौके पर थे, तो हमारे बच्चों ने कहा ये दोनों लोग नहीं थे, एक तीसरा जो अजय सिंह है वो रहा है, वो भी गाली दे रहे थे और ये दरोगा जी भी गाली दे रहे थे। तो इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि पेशबंदी आप करवा रहे हैं,
तो एक नाबालिग लड़का है, एक बालिक लड़का है, तो उनसे दरोगा जी से मैं तो पहली बार उन्हें देखा, जीवन में कभी उनसे मिला नहीं रहा हूं, और न उनसे कभी मेरी बात हुई थी, न उनका मेरा मेरे घर के आसपास उनका घर है कि हम उनको फंसाना चाहेंगे। तो ये कह रहे थे कि पेशबंदी आप करा रहे थे, अर्थात कुल मिलाकर के दरोगा को राय इंस्पेक्टर है, राय वो भी है, राय राय को सेव कर रहा था, तो और उन दोनों को एसपी साहब सेव कर रहे हैं। टॉप न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।